Hello students, this is your math teacher Sanjeev Sikri. Today we'll be taking a question from standard 10, chapter similar triangles. Let's take this question. C, D and G, H are bisectors of angle ACB and EGF of triangle ABC and EFG. So as you read this statement, that means we are given two bisectors, G, C, D and G, H. और bisectors किसके हैं? Angle ACB and angle EGF of triangle ABC and EFG. तो चलिए पहले दो triangles बनाते हैं. Triangle A, B, C. तो मैंने C को ऊपर क्यों लिया है? Because bisector is CD. तो अपने को diagram easy नजर आएगी. अगर मैं C को यहाँ पे लिख लेता तो bisector इधर को आना था. उससे डायग्राम थोड़ी सी डिफिकल्ट दिखाई देती है, तो उसको इजी करने के लिए सी को मैंने ऊपर लिख लिया है. वन मोर ट्रायंगल वी आर गिवन, इट इज ट्रायंगल, एंगल इज बाइसेक्टर इज जी एच, इट मींस जी ऊपर लिखेंगे और ये इसका बाइसेक्टर आएगा एच, और ट्रायंगल का नाम है ई एफ जी. ई एफ जी ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई एफ जी. तो ये है स्टूडेंट्स दोनों ट्रायंगल्स. अब अगर मैं इसको आगे पढ़ता हूं, ध्यान से पढ़िएगा. ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ए बी सी एफ ई जी. सो इट मींस ए बी सी एफ ई जी. तो इसका मतलब यहां पे ई नहीं हम एफ लेंगे और यहां पे एफ नहीं ई लेंगे, ताकि डायरेक्शन सेम बने ए बी सी एफ ई जी. और इससे क्वेश्चन भी क्या आएगा, इजी बनेगा. अगर आप यहां पे ई लोगे इधर एफ लोगे तो क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट दिखाई देगा. अदरवाइज नाउ वी हैव टेकन द एग्जैक्ट राइट डायरेक्शन, इट विल बी अ इजी वन. तो चलिए प्रूव क्या करना है. सी डी ओवर जी एच, सी डी ओवर जी एच इज इक्वल टू ए सी ओवर एफ जी, ए सी ओवर एफ जी. ये प्रूव करना है. इसका मतलब हमें ये वाली दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा. If these two triangles will become similar, then sides will be proportional. और ये ट्राइंगल कौन सी हैं? A, D, C, F, G, F, H, G. तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये यही नहीं है, D, C, A, H, G, F. तो इसका मतलब हमें ये थर्ड वाला पार्ट पहले प्रूव करना पड़ेगा. थर्ड वाले पार्ट को प्रूव करने के बाद ये आएगा और लास्ट में ये नंबर तीन पे ये आएगा. तो अगर हम देखें तो ये नंबर वन पे प्रूव करेंगे, इसको नंबर टू पे प्रूव करेंगे और इसको नंबर थ्री पे प्रूव करेंगे. स्टूडेंट्स आई होप यू गॉट व्हाई वी विल बी प्रूविंग इन अ डिफरेंट ऑर्डर एज दे आर गिवन द स्टेटमेंट. सो चलिए पहले हमें गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, ए बी सी सिमिलर टू एफ ई जी. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दैट मीन्स देयर एंगल्स विल बी इक्वल. सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स लिखते हैं. ए किसके इक्वल आएगा, एफ के. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ. एंगल बी किसके इक्वल आएगा, एंगल ई के. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई. और ये ऊपर वाला सी किसके इक्वल आएगा, एंगल जी के. एंड एंगल ए सी बी मैं इसको लिखता हूं इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई लिखता हूं. तो ये तीनों एंगल्स दोनों ट्राइंगल्स के हमने इक्वल लिख लिए. एज वी आर गिवन द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स, स्टूडेंट्स ये आप याद रखेगा, इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हेन एवर यू आर गिवन बाइसेक्टर्स, तो इसका मतलब एंगल्स के हाफ करिए, वो आपसे क्वेश्चन इजी बन जाएगा. तो मैं इनके हाफ करता हूं. हाफ ऑफ ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ जी ई. सो एसीबी का अगर हाफ देखें तो एक हाफ बनता है नंबर वन और यहां पे हाफ बनता है नंबर टू. सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू. अगर ये हाफ है तो इस तरफ भी हाफ बनेगा. इसको मैं मार करता हूं नंबर थ्री और यहां वाले को मार कर लेते हैं फोर. सो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर. तो हमारे पास दो पेयर आ गए, वन इज इक्वल टू टू, थ्री इज इक्वल टू फोर, क्योंकि दोनों साइड पे हाफ हाफ है एंगल्स के. Because CD and GH are bisectors
ऑफ एंगल एसीबी एंड एफजीई। तो चलिए अब ट्रायंगल्स को कंक्लूड करते हैं। पहले ये वाली इन ट्रायंगल डीसीए एंड ट्रायंगल एचजीएफ, डीसीए एचजीएफ, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को देखेंगे स्टूडेंट्स, ए किसके इक्वल है एफ के, वन किसके इक्वल है टू के, दो एंगल्स इक्वल हो गए, ए इज इक्वल टू एफ, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, दोनों हमने ऊपर प्रूव कर लिए हैं, तो मैं इसको लिखता हूं प्रूव्ड अबव। सो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल आ गए, इट मींस ट्रायंगल डीसीए सिमिलर टू ट्रायंगल एचजीएफ बाय एए। तो ट्रायंगल्स आ गई सिमिलर बाय एए, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर दैट मींस साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो चलिए प्रोपोर्शनलिटी लिखते हैं, डीसी ओवर एचजी, डीसी ओवर एचजी, देखिए ध्यान से ये बन गया इज इक्वल टू सी ए ओवर जी एफ, तो ये यहां पे बन गया। सो एक पार्ट हमारा जो पहला था ट्रायंगल्स को सिमिलर करने वाला, ये वो यहां पे आ गया है, और दूसरा था प्रोपोर्शनैलिटी, वो यहां पे आ गई है। अब रह गया हमारा सेकंड पार्ट प्रूव करने वाला, ये वाला, इसको प्रूव करने के लिए ये वाली ट्रायंगल उठाते हैं, कौन सी, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, डी सी बी एच जी ई, इन दो ट्रायंगल्स को हम देखें, अगर थ्री किसके इक्वल है फोर के और बी किसके इक्वल है ई के, एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, अगेन द रीजन विल बी सेम प्रूव्ड अबव, दैट मींस टू एंगल्स आर इक्वल, सो ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई बाय ए ए। सो वी आर एबल टू प्रूव ऑल द थ्री पार्ट्स, पहला यहां पे आ गई सिमिलैरिटी, दूसरी प्रोपोर्शनैलिटी, और तीसरा हमारा पार्ट यहां पे आ गया, अगेन टू ट्रायंगल्स टू बी सिमिलर। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इफ यू आर गेटिंग माई क्वेश्चन प्लीज कीप ऑन सब्सक्राइबिंग द चैनल संजीव सिकरी PV05। थैंक यू वेरी मच।